अब आती बात, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पिक्चर कौन सी देखनी है। ऐसे अगर मोबाइल की बात करें, अभी आप सबने दिखाया था स्मार्टफोन है, बेटा आप में से किन किन के पास स्मार्टफोन था? तीनों के पास था। क्यों रहे हो? तुम्हारे पास भी तो है, लेकिन आपने उसका कोई मिसयूज किया? बेटा ईमानदारी से अपन को बिल्कुल खुली किताब, और कभी यूज किया तो उससे कोई लॉस हुआ तो गलती बताओ, ताकि ये आपकी गलती सीखे और ये जीनियस बने। सर मोबाइल तो को तो खाली इस्तेमाल करते थे घर बात करने के लिए, या मम्मी को जब क्लास जा रहे तो मैसेज भेजे, और जब क्लास से आए तो मैसेज भेजे कि आ गए हैं, और वो डाउट क्लियर करने के लिए टीचर के साथ। यस, मोबाइल स्मार्टफोन क्यों रखा? ताकि टीचर के साथ व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर ले, किसी और के साथ चैटिंग नहीं करे। ताकि पेरेंट्स को अगर व्हाट्सएप से मैसेज देना हो, कई बार टेक्स्ट मैसेज कंपेयर जल्द जाता मैसेज व्हाट्सएप पे, वो हो जाए। यानी कि उसका सदुपयोग, सिक्के का पहला पहलू कौन सा, यूटिलाइजेशन करना है सही तरह से, ताकि हम उसको हमारी पढ़ाई के लिए एक एसेट बना सके। हाँ बेटा, मोबाइल फोन्स का यूज़ यही था पेरेंट्स से बात करने के लिए शाम को क्लासेस के बाद, और बहुत कभी कभी जब टेस्ट के बाद एनालिसिस करने देते तो रात को एक दो घंटा देखता था, बाकी कभी यूज़ नहीं करता था। मतलब अभी दोनों ने, ये बच्चों ने बात करी कि बस मोबाइल को हमने यूज़ किया पेरेंट्स से बात करने के लिए या टीचर डिस्कस करने के लिए। डॉक्टर आयुष, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत अच्छे से किया जा सकता है। एल एन डिजिटल पे इतना रिसोर्स है, वहाँ से आप पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, पेपर का डाउट सॉल्यूशन वीडियो और जो भी आपका बैकलॉग चैप्टर्स है उसको कवर कर सकते हैं, अपने टीचर से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो फ़ोन का बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। मतलब यूज़ अच्छा क्या हो सकता है उसमें आपको बताया जा रहा है। आप भी स्मार्टफोन रख रहे हो, कभी आप किसी तरह से, आप कोई मान लीजिए डिस्कवरी चैनल पे चले गए आप, या कभी किसी और यूट्यूब पे किसी चैनल पे चले गए जो आपको चीज़ समझा रहा है, लेकिन ये नहीं इंस्टाग्राम पे गए और रील देखना चालू कर दिया, और कब डेढ़ घंटा दो घंटा निकले मालूम नहीं पड़ता, लगातार हो तो कंटिन्यू सप्लाई है। इसलिए अपने को ऐसे डिस्ट्रक्शन से बचना चाहिए।